फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज दिन है सोमवार का। सोमवार को अभी मेरा नहा धोकर पूजा पाठ कंप्लीट हो गया। टाइम हो रहा है 10:10 और मैंने आज अपना हेयर वॉश किया है और मेरी पूजा हो गई है। मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है। अब मैं प्रसाद उठा के जाऊंगी किचन में। देखते हैं किचन में क्या क्या करना है। तो बने रहिए ब्लॉग में। और आज मैं अभी से लेके रात तक जो भी मैं शूट करूँगी सभी कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। मेरा WT कंप्लीट करा दीजिए प्लीज़। मेरा WT कंप्लीट नहीं हो रहा तो मेरा WT जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। भगवान जी को आरती मैं कर चुकी हूँ। अब मैं प्रसाद उठा लेती हूँ और चलो मैं भगवान जी का हो गया पूजा पाठ। अब जा रहे हैं अपना किचन में। फ्रेंड्स जैसा कि आज सोमवार है तो मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ और मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करके चाय बनाने के लिए। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 9:30 ही बज रहा है। हस्बैंड जी सोमवार को घर पे ही रहते हैं तो मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ। कारण कि मैं सोमवार को ज़्यादा सोती हूँ, बाज़ार का नाश्ता होता है मेरा। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बताई हूँ कि मंडे के दिन मेरा बाज़ार का नाश्ता होता है। तो ये मेरा और सिर्फ हस्बैंड जी के लिए है। एक है प्लेन कचौड़ी, बेसन का कचौड़ी, एक है कलाई दाल का कचौड़ी और दो जगह सब्जी, दो जगह कचौड़ी और साथ में इसको इमरती बोलते हैं। तो आज हम लोगों का नाश्ता यही है और बेटे का नाश्ता देवरानी खिलाने वाली है। तो मेरा मंडे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से सप्ताह में 2 दिन मंडे होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा बोतल खाली हो गया था तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ सारे खाली बोतलों को भरने के लिए। और आज मैं हेडवाश की हूँ और दोपहर का अभी पता नहीं कि दोपहर में क्या बनने वाला है। और रविवार को मेरी ननद गई अपने ससुराल तो ये क्या बोलते हैं, रविवार को तो रिच खाना हुआ ही था तो आज नाश्ता थोड़ा सा रिच हुआ है लेकिन दोपहर में हल्का सा ही खाना बनेगा। तो मैं सबसे पहले चावल भिगा देती हूँ। दो घंटा पहले मैं भिगा के रख देती हूँ। चावल जल्दी भी होता है और टाइम भी नहीं लगता है। मैं तो हमेशा भिगा के ही रखती हूँ। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तभी से मैं सभी को देख रही हूँ कि चावल यहाँ पे भिगा के बनाते हैं तो मैं भी यहाँ पे भिगा के रखती हूँ 2 घंटा के लिए। और मेरे यहाँ कैंट नहीं इसलिए पानी ऐसे ही मैं पाइप से ही भरती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। दूसरे तरफ काम में ध्यान देती हूँ तो इधर बोतल भर के पानी गिरने लगता है। और नीचे मैं डस्टबिन रखती हूँ, जो खाने का जूठन सब होता है तो मैं वहाँ रखती हूँ तो पानी वहाँ चला जाता है, इसलिए ध्यान देके पानी भरना पड़ता है। और मैं अपने हेयर को कट करवाई थी और फिर मेरे हेयर बढ़ गए हैं। मुझे लंबा बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोटा छोटा बाल का अच्छा से केयर हो जाता है पर लंबे बालों का केयर नहीं हो पाता है। तो मेरे बाल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है और नेल भी बहुत जल्दी जल्दी मेरा बढ़ जाता है। बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं सभी कपड़ों को छत पे लेके जा रही हूँ। और सभी कपड़े मैं हाथों से ही धोई हूँ। और कुछ दिन पहले ही मैं अपने बाथरूम को पूरा टाइल्स वगैरह सभी साफ सफाई में की थी जी। ये सारा कॉर्नर में साफ की थी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा नीलकंठ का फूल। और आज छत पे मैं आई नहीं इसलिए फूल भी नहीं लेके गई। कितना सारा फूल हुआ है। इसको अब ना सभी को बांधना पड़ेगा ऊपर ले जाके। वो अच्छा लग रहा है देखने में। और फ्लावर्स को दिखाने के बाद मैं अपने कपड़े डाल लेती हूँ। और जब ज़्यादा कपड़ा होता है तो मैं छत पे ही डाल देती हूँ। और इतने सारे प्लांट लगा के रख दिए हस्बैंड जी बालकनी में। तो बालकनी में मैं रोड साइड में तो कपड़ा दे ही नहीं पाती हूँ, भीतर साइड में थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो हार कर मुझे छत पे ही आना पड़ता है। और छत पे आना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि
तीन तल्ला चढ़ते चढ़ते मेरा हालत पंचर हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे ही बालकनी में सारा कपड़ा दे दूँ, पर नहीं हो पाता है और अभी भी सभी का कपड़ा छत पे ही सूख जाता है। फ्रेंड्स, अभी गुलाब में फ्लावर नहीं हो रहा है, फूल नहीं हो रहे हैं। अभी इस गाछ में बहुत सारा फूल हुआ है, कली आया हुआ है, खूब सारा कली आया हुआ है। और ये ना, इसमें गंध बहुत ज़्यादा ही होता है। अभी मेरे इस गुलाब में भी नहीं है और इस गुलाब में भी नहीं है। और नींबू खूब अच्छा ग्रो कर रहा है, नींबू का प्लांट। और ये देखिए मेरा छत का नज़ारा। वो मेन गेट है, वहाँ से नीचे जाया जाता है। सभी के कपड़े डल चुके हैं, अब मैं भी जा रही हूँ नीचे। ये रोड है फ्रेंड्स। अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने में और 12:30 बज रहा है, टाइम अभी हो रहा है। और आज मेरा खाने में हो रहा है भात, हो रहा है मसूर दाल, पतला करके मसूर दाल बोले हैं बनाने के लिए, और आलू चोखा बोले हैं बनाने के लिए। तो आलू चोखा मैं उनके लिए प्याज भूनकर बनाने वाली हूँ, और बेटा के लिए कच्चा प्याज और हरी मिर्च दे के बनाने वाली हूँ। दो जन के लिए अलग अलग करना पड़ता है, और साथ में ऑमलेट होगा, तो जब वो लोग खाएंगे तभी मैं ऑमलेट करूँगी। तो फ़िलहाल ये सब खाना मैं अभी बना के रख देती हूँ। दाल मेरा हो ही गया है, दाल में तड़का भी नहीं लगा है, तो सबसे पहले मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। मेरे यहाँ दाल बहुत कम ही बनता है, एक दिन मतलब एक वीक में 1 से 2 बार ही दाल बनता है, बाकी दिन तो वही सब खाना से हो जाता है, नॉन वेज ही बनता है। कभी मछली झोल भात हो जाता है, कभी अंडा झोल भात हो जाता है, कभी करी हो जाता है, क्योंकि ये लोग ना ज़्यादा दाल पसंद नहीं करते हैं। मुझे दाल अच्छा लगता है, मैं दाल खाती हूँ, मसूर दाल मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कभी कभी ऐसा खाना भी खाना चाहिए, दाल भात चोखा। और दाल में मेरा तड़का लग गया है, मैं प्याज लाल मिर्च और जीरा से मैं तड़का लगाई हूँ, हींग भी थोड़ा सा दे दी। ये है मेरा शाम का चाय। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, चाय मेरा रेडी हो चुका है दो जन का। मेरा चीनी का चाय, चीनी आ रही थी उनका। ये देखिए अभी गीला हो गया है। बहुत से लोगों को घर में संध्या वक्ति हो रहा, आवाज़ आता इधर से ही। फ्रेंड्स, रात को मेरा सिंपल सा ही खाना हुआ, तो फिर मैं हम लोगों का खाना पीना हो गया, बर्तन भी सिंक का साफ़ हो गया है, तो मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई किचन का कर लेती हूँ, क्योंकि गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में भी एक बार तो पोछा मारना है ही। और सुबह में मैं चना दाल और नेनुआ करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं चना दाल अभी ही भिगा के रख दी हूँ। और रात में क्या खाना बनाई थी मुझे याद नहीं है, क्योंकि ब्लॉग 2 दिन पहले मैं शूट की थी ना, इसलिए उतना सारा याद नहीं है। और मेरा किचन क्लीनिंग पूरा शेष हो गया है, उसके बाद मैं जिसमें मैं दूध जा के लाती हूँ, तो उसी में मैं 1 बाल्टी पानी भर के रख देती हूँ किचन में, क्योंकि पानी भर के रखना चाहिए किचन में, खाली नहीं रखना चाहिए। और बोतल से में तो पानी रहता ही है, लेकिन मैं एक दूध का जो कैन है मेरा, उसमें भी मैं पानी भर के रख देती हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं शेष कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।